तो पटाखे छुटा पटाले पटाखे छुटाऊ पटाखे छुटाऊ बोल रहा हूँ, पटाल पटाखे सुखा लूँ। चलो सिखाते हैं। तो यो सामने वाली कौन सी, सफेद सफेद वाली, ये वाली? हाँ। तो जो मतलब फ्रेशनेस और जो प्योरिटी वाली चीज होती है ना, वो तुम प्रीफर करो फेस्टिवल में, तो ही बेटर रहता है। अगर हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। पूरा ओवरऑल संगवाने के बाद, नहाने के बाद, फिर उसके बाद में अब 1:30-2 बजे करीब खाना खा रहे हैं। तो खाने में है जी छोले, जो ये ख़त्म हो चुके हैं, और ये तुम देखो नोनी घी और थोड़ी सी सलाद। 3 तारीख हो गई है और लगातार 7 तक अपनी छुट्टी है, 6 तक तो अपने चैनल पे डेली व्लॉग्स आएंगे। उसके लिए मेरे को अपडेट रहना पड़ेगा और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक एडिट, वो बहुत हैवी बैठता है। अब आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी को पहले तो मेरी साइड से छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्लॉग आएगा बड़ी दीपावली पे, तो उसको भी ऐड कर लेना। लोग अपने घर पे गए हुए हैं, छुट्टियां हैं, फेस्टिवल सीजन है, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 6 दिन की कम से कम अपनी छुट्टियां हैं टिल संडे तक। अब डेली व्लॉग का सिलसिला ऐसे चालू रहेगा, इंजॉय करने वाला हूँ। अब देखते हैं कि कैसे क्या रहेगा, अभी तो फिलहाल खाना खा लेते हैं। पटाखे तो पटाखे कहाँ हैं? लो ये गाइस अपने पटाखे हैं, सारी फैमिली न्यू वाले जो अपनी दुकान पे होते हैं उनको बस कहा। पल्ली पल्ली ये तो रही है, एक ये ठंडी तो नहीं है पल्ली, बड़ी है पर ये तो ज़्यादा बड़ी पल्ली। इससे फैला दूँ, धूप निकल गई, धूप तो बढ़िया हो रही। तो ये अपने पटाखे हैं जो जिसपे धूप लगेगी लगेगी और ये सूख जाएंगे फिर, मतलब थोड़े से ये हो जाए ना, थोड़ी सी नमी होती है तो इस पर थोड़ी सी धूप लगने के बाद ही सही हो जाएंगे। तो इनको धूप लगाने के लिए ऊपर लेके आया हूँ पटाखों को सारे को। तो गाइस छत पे आने के बाद और इतनी प्यारी धूप सेकने के बाद, धूप लगने के बाद मेरे पर खुल गए। ये देखो मेरा पूरा गांव मेरी पूरी छत से। पटाखे पूरे सुखाने के बाद मेरी करामात। धूप से देखो कितना फेस पे ग्लो आ गया यार। क्या है मतलब जो अपनी फार्मा में है उसमें शेविंग अलाउड नहीं होती है, लेकिन इतनी इतनी शेविंग सही होती है, मतलब इतनी शेविंग सही से रखने में लुक अच्छा आता है और दिखता भी अच्छा इंसान है। बट कोई बात नहीं, नौकरी चाकरी भी ज़रूरी है। लिप्स भी मेरे बहुत रेड रहे हैं, रेड रेड है, लोगों को लगता होगा कि ये लिपस्टिक लगा के वीडियो बना रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिप्स भी रेड है। और एक मेरे को कॉम्प्लीमेंट एक बंदे ने भी दी थी कि आप ये काजल लगा के वीडियो बनाते हो क्या, तो फिर मैंने उसके बाद में अपनी वीडियोस देखी, फिर मुझे लगा कि हाँ यार लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे मैंने काजल लगा के वीडियो बनाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नॉर्मल है, मतलब भगवान ने फुर्सत में मेरे को बनाया है। निकला हूँ बाजार से लेके आने के लिए कुछ थोड़ा सा लाइटिंग का सामान है। एक्टिवा पे बहुत सही रह जाता है व्लॉग करना, क्योंकि ना कुछ गियर की दिक्कत और ना कोई अलग पंगा। बर्फी का क्या भाव है? 220 रुपये। ठीक ठाक क्या लगेगा? क्योंकि मैं हम तो जी पुराने ग्राहक है आपकी दुकान को। आप दुकान को कितना टाइम हो गया? 20 साल से पहले। 50 साल पुरानी दुकान है अंकल जी की, और जान चट में प्रसिद्ध। मैं भी एक बात हो गया, बब्बा जी भी बहुत आया करते थे दुकान के। एक बात हो गया, हाँ मतलब घर, हाँ घर की ताजी मिठाई ये कह सकते हैं, घर की ताजी मिठाई। और इसी तो भाई जानसठ में जो भी कोई बंदा आया, जो भी कोई वीडियो देखेगा तो अंकल जी की दुकान पे आना। ये मोहल्ला कौन सा है? जुआ मोहल्ला है ये वाला। ये तो जो मतलब फ्रेशनेस और जो प्योरिटी वाली चीज़ होती है ना, वो तुम प्रीफर करो फेस्टिवल में, तो ही बेटर रहता है। अगर तुम्हारे आसपास में कोई तुम्हें जानने वाला है कि तुम्हें पता हो, स्पेसिफिक पता हो कि तुम्हारे तुम्हें उसकी शॉप पे अच्छा अच्छा स्वीट्स मिल सकता है, तो यू शुड गो देयर। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम फेस्टिवल में ज़्यादा कंजप्शन है, मिठाई का ज़्यादा कंजप्शन है, उसी के थ्रू लोग मिलावट भी ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ से बचें और वहाँ पे प्रीफर करें जहाँ पे तुम्हें पता हो कि वहाँ पे फ्रेश
तुम्हें आइटम मिल सकता है, या फिर फ्रूट भी अच्छे हैं तुम उस चीज़ को, अब देखो कोई भी मिलावटी वाली चीज़ अंदर जाएगी देन इट वुड बी डिफेक्ट टू योर ऑर्गन, और वो चीज़ बाद में पता चलता है, तो इसीलिए बी केयरफुल और फेस्टिवल सीजन के टाइम पे तो ज़रूर से ज़रूर। जला दिया ऊपर छत पे, जो मेन काम है झालर लगाना, आज वो मैं सोच रहा था लेकिन लाइटिंग नहीं करवा पाए हैं। आज छोटी दीपावली है तो छोटे छोटे तो पटाखे बनते हैं ना, अभी पापा को बुलाता हूँ, उसके बाद में पटाखे छुड़ाते हैं दोनों के दोनों, मजा आएगा। तो सबसे पहले जी शुक्रिया कैमरामैन श्री शिवम गर्ग का, पापा जी कैमरा पकड़े हुए हैं, तो पापा फोटो से बहुत आते हैं ना, तो बल्ब जला देते हैं, मतलब मैं इसलिए नहीं जला रहा हूँ, इसका घर का भी मैंने होम टूर नहीं दिया ना तुम लोगों को, तो इसलिए मैंने नहीं जलाए थे। मैं डरता ही बहुत हूँ भाई, छोटा जरा फोन नहीं, कैसे पटाखे लाए थे? नहीं पटकेंगे, मैं तो ये दूसरा लगा दूँ भगवान, इतने तो पटाखे होते भी नहीं जितने तुमने छुटा दिए। चलो कोई मतलब बहुत डर लगे पापा मुझे, कभी कभी डर लगे, चलो आप आ जाओ, आप छुटाओगे वाला, हाँ चक्री आप चलाओगे, पकड़ो ये सी? हाँ यहाँ पे, हाँ बीच में मुझे थोड़ा इधर उधर ना भागे। तो भाई पापा की फर्स्ट टाइम मैं तो देख रहा हूँ पापा को पहले ये पटाखे जलाते हुए, आज से पहले कभी इतनी मेरे सामने जलाए, ये पापा की पहली चकरी। ये तो घर रह नहीं रहे भाई, हाँ चलेगी तो है। अरे रे रे घूमे 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 क्या है इतने इतने से, अरे यार भाई ऐसा है इनकी दुकान पे से कोई पटाखे मत लियो, इनकी दुकान पे पटाखे ना लियो कोई, तो फुस हो रहे, दो दो मिनट चल रही है भाई चक्री ये। अब शो ऑफ करेंगे बिना मतलब की, कौन सी यो वाली 10 रुपए वाली भैया, 10 रुपए, अच्छा वो 5 रुपए वाली थी क्या, चलो तो यो कब यो कितनी, 1 घंटे चलनी चाहिए यो, तो जब भी तो लोग देंगे 10 रुपए। लो 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 चलो ये वाले चलाओ, तो ये मैं चलाऊं क्या, एक तो आपने चला दी, हाँ लाओ वीडियो बनाइयो, ऐसे ही पकड़ रखो, उंगली हटा लियो खोल के, आज मैंने धूप भी लगाई है, हाँ चलो भाई नाक रख लो जरा दुकान की हमारी। देखा ना कितना मजा आया, दोनों ने हम दोनों ने बहुत मजे लिए, सुपर मजा आया। पापा की जो चक्री थी उसमें तो उन्होंने पाँच, वो तो 2 मिनट में ही फुस होगी क्योंकि वो 5 वाली थी, अब मेरी 10 वाली रही, उसमें मुझे बहुत मजा आया यार। अपना त्यौहार हो गया और क्या ही चाहिए, थोड़ा शगुन भी हो गया, दीपावली है तो थोड़े पटाखे जरूर बनते हैं कि तुम छुटा लो और पटका लो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर भी लगता है तो थोड़े बहुत फिर भी उसके बाद भी छुटा लेने चाहिए। और तो बाबा जी की भी बहुत याद आई, पूजन करते हुए बाबा जी की बहुत याद आई, और कल भी बहुत याद आने वाली है, वो हमें छोड़ के चले गए थे और त्यौहार में उनकी बहुत याद आई, तुम समझ सकते हो कि मैं कितना क्लोज भी था दादाजी से। और चलो ठीक है, इस ब्लॉग का करते हैं अब एंड, ये सीरीज़ पूरी की पूरी 5 दिन की कंटिन्यू रहेगी और कंटिन्यू ब्लॉग रहेंगे 6 तारीख तक, सैटरडे तक, तो उसको एंजॉय ज़रूर करना और अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छा अच्छा सब कुछ फैमिलियर कंटेंट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली के साथ भी तुम बैठ के व्लॉग देख सकते हो। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, और अगर कुछ पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इंस्टा व्हाट्सअप के
किसी भी कहीं भी किसी भी जगह अपने दिसंबर तक मेरे बर्थडे तक मेरे को 500 सब्सक्राइबर बहुत चाहिए अपने चैनल पे। मेरा बर्थडे दिसंबर में आएगा और डेट तो मैं बता ही दूंगा, वो डेट फाइनल कुछ नहीं है, मतलब डेट अभी नहीं रिवील करते हैं, डेट मैं तभी बताऊंगा तब मैं बर्थडे मनाऊंगा उसी दिन। तो तब तक 500 सब्सक्राइबर तो मेरे को चाहिए, इतने से होते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लगे तो करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में कल, थैंक यू।